आदेश के बावजूद भी खुलेआम कूड़ा जलाया जाता है। नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा खुले में कूड़ा जलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से जिले के लोग दहशत में। तरफ तो नरेंद्र गुप्ता कहते हैं नगरपालिका का कोई भी कर्मचारी कूड़ा नहीं जला रहा है, तो फिर सवाल ये बड़ा है कि खुलेआम क्यों स्टेशन के पास कूड़ेदान में कूड़ा कौन जला रहा है। पालिका के अंतर्गत सर जो चौराहे हैं और जो सरकारी बंगले हैं उन पर जो है सफाई कर्मियों द्वारा जो पत्तियां हैं उनको जलाई जाती है, सर इस पर क्या कहना है सर आपका। देखिए, ऐसी कोई व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से नहीं है जिस पर आग जला करके प्रदूषण फैलाया जाए। कुछ ठेके कर्मचारियों द्वारा जो है ये शिकायतें प्राप्त हुई थी कि इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, जिन पर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ भी पालिका करने जा रही है। और नगर को साफ सुथरा रखने के लिए समस्त जो भी उपाय हैं करने का पालिका पूरा प्रयास कर रही है। और जगह जगह एक बड़ी समस्या है इस नगर के साथ, कूड़े का निस्तारण। कूड़े के निस्तारण के लिए चूंकि नगर पालिका के पास कोई लैंड उपलब्ध नहीं है, जिसको लगातार जिला प्रशासन से मांगा जा रहा है कि कोई लैंड दी जाए जिससे कूड़े को एक जगह एकत्रित करके और उसको वहाँ पर उसका डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो इस कूड़े को लेकर के जिला प्रशासन से बात चल रही है, मुझे लगता है उम्मीद है जल्दी ही कुछ जगह प्राप्त हो जाएगी। सर अभी हाल ही में कार्यक्रम हुआ था रामघाट पे आरती समारोह का, सर उस पर कई सारे पटाखे जले थे और कई सारे के सर वहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो कई तरह पीड़ित भी होते हैं सर, कई सारे पटाखे फुलझड़ियाँ सर जलाई गई थी जिससे वातावरण वहाँ का जो है गंदा हो गया था सर प्रदूषण से, इस पर सर देखिए कहीं भी किसी रूप में प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। रहा सवाल पटाखे छुटाने का, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 8 से और 10 के बीच में दीपावली में पटाखे छुटाने के लिए अधिकृत किया गया था और उस परिधि में ही देव दिवाली पर यह कार्यक्रम आयोजित नित्य हर वर्ष किया जाता है धर्म के अनुसार, उसके अनुसार वह कार्यक्रम हुआ था, उससे कोई प्रदूषण नहीं फैला और न कोई ऐसे पटाखे छुटाए गए वहाँ पर जहाँ पर बहुत अधिक प्रदूषण फैले। और चूँकि भगवान राम के राज पाने पर पुनः अयोध्या लौटने पर दीपावली का जश्न मनाया जाता है, चित्रकूट में भगवान राम की तपोस्थली रही है और चित्रकूट में भी धूमधाम से निरंतर मनाया जाता है।